क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेट एफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर बी ए फंक्शन फ्रॉम आर इन टू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ। ओके, इसमें एक दैट इज अ शॉर्ट मेथड होता है, एक होता है लॉन्ग मेथड। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर से पता कर सकते हैं? तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, वन प्लस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन जीरो प्लस वन, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल्स टू वन, एक पार्ट होगी। दूसरा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, अभी दोनों तरफ को डिवाइड कर दिया, जो मतलब यू कैन से वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसको भी वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो जीरो अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो जीरो होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो हो गया। ठीक है, दोनों तरफ पे हम लोग वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, अच्छा, एक इक्वेशन एक कंडीशन हुआ तो एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, अभी वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है। ओके, ये तो होगा बिकॉज ए भी एक पॉजिटिव नंबर्स, ए भी पॉजिटिव नंबर्स, तो उसमें ऐड करें वन प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, दैट मीन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज लेसर देन वन, दोनों तरफ वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो इसी से मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लेसर देन वन, और इससे मिला एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, पर इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं पड़ा। इस दोनों से इसका रेंज निकल जाता है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो बट लेसर देन वन। तो यू कैन राइट रेंज ऑफ एफ इज जीरो टू जीरो टू वन, और वी कैन राइट रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेसर देन वन। हो गया, पहला मेथड तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में ये दोनों पॉइंट कोई कोई भूल जाते हैं, तो कभी कभार क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, कोई कोई सोचते हैं कि ये वाला है ये वाला भी करना, इसका कोई यूज़ नहीं है, ओनली ही दोनों से आ जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी शॉर्ट मेथड। अभी लॉन्ग मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, उसके बाद तो इसको वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया, अभी एक इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स वन वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया वन माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर वाई अपॉन वन माइनस वाई। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहा है कि वाई के वैल्यू कभी वन नहीं हो सकता है, बिकॉज वन हो गया तो क्या होगा, नीचे जीरो होगी और डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। अभी वाई अपॉन वन माइनस वाई गेट और इक्वल्स टू जीरो, माइनस कॉमन ले लिया वाई अपॉन वाई माइनस वन गेट और इक्वल्स टू जीरो, माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा, ये साइन बदल जाएगा, कैसे आया देखो, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक लाइन और कर देते, वाई अपॉन वाई माइनस वन इज लेसर इक्वल्स टू जीरो। अभी इस जगह पे वाई माइनस जीरो वाई माइनस वन लेसर इक्वल टू जीरो, ये वाला मेथड अप्लाई कर देते। अभी इसका जो एक जीरो हुआ और एक वन है, तो प्लस माइनस प्लस, ओके, बिकॉज वन से ग्रेटर कोई भी वैल्यूज लेंगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ओके, यह पॉजिटिव होगा, और जीरो और वन के बीच में कोई भी वैल्यूज ले लो, सपोज यू आर टेकिंग हाफ, तो ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, सो इट विल बी नेगेटिव, और लेस देन जीरो कुछ भी लोगे तो ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, तो वाई इक्वल्स टू व्हाट, ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो लेसर इक्वल्स टू वन, लेकिन पहले हम लोग क्या लिया था थोड़ी देर पहले, वाई नॉट इक्वल्स टू वन, तो वन तो नहीं होगा, तो यहाँ पे वाई नॉट इक्वल्स टू वन दैट मीन्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेसर देन वन, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू जीरो टू वन, जीरो इंक्लूडेड कॉमा वन, वन नहीं है, जीरो और वन के बीच में जो भी रियल नंबर्स आएगा सब होगा इंक्लूडिंग जीरो। आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है,